वंदे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और यहां के प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री उदय गिरी गोस्वामी जी, जिलाध्यक्ष शाहपुर श्री नरेश तोमर जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्री मनवीर सिंह चिकारा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ललित तंवर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हापुड़ श्रीमती रेखा नागर जी, हमारे विधायकगण श्री राजीव तरारा जी, श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, हरेंद्र सिंह तेवतिया जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी, पूर्व सांसद श्री देवेंद्र नागपाल जी, पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चौहान जी, वेंकटेश्वर समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी जी, और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न नगर पालिका और पालिका परिषद के चेयरमैनगण, भारी संख्या में उपस्थित अमरोहा के मेरे सभी प्रबुद्ध बहनों और भाइयों, वासुदेव तीर्थ के रूप में सुविख्यात इस पौराणिक स्थली अमरोहा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है, पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। पहले चरण के जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई तब मतदान की तैयारी हो रही है, तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उन स्थितियों में कि चुनाव के दिन मतदान का प्रतिशत अच्छा रहे, लोकतंत्र के प्रति हम जन सामान्य को जागरूक कर सके और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सही इस्तेमाल कर सके, इसके लिए मैं अमरोहा जनपद के आप सभी प्रबुद्ध जनों के सामने आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। यह आह्वान उसी प्रकार से करने के लिए मैं आया हूं जैसे कोई भी सांस्कृतिक आयोजन हो, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, अमरोहा के ढोलक के बगैर वह कार्यक्रम तो अधूरा ही माना जाएगा। ऐसे ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो या समाज का कोई भी अन्य कार्यक्रम, प्रबुद्ध जन अगर उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो फिर वह अपने आप को अधूरा मानेगा, क्योंकि यह प्रबुद्ध वर्ग समाज का नेतृत्व वर्ग है। जो मंच पर बैठे हैं यही नेतृत्व नहीं दे रहे, इनका राजनीतिक नेतृत्व है, लेकिन समाज के अलग अलग तबके से, कोई अधिवक्ता है, कोई शिक्षक है, कोई चिकित्सक है, कोई प्रगतिशील किसान है, कोई चैंबर ऑफ इंडस्ट्री से जुड़ा होगा, कोई पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से जुड़ा होगा, कोई सीए एसोसिएशन से जुड़ा होगा, कोई व्यापार मंडल के साथ जुड़ा होगा, अलग अलग समूहों का नेतृत्व कर रहे हैं और हर समूह के पास अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है।
उस पूरे वोट बैंक को मानसिक रूप से आप लोकतंत्र के प्रति तैयार करते हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करने के क्रम में आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, 2019 के भी लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग आए थे। देखिए, एक वोट कैसे आपके लिए पहचान का संकट खड़ा कर सकता है और एक वोट कैसे देश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख सकता है, ये आपके सामने है। 2014 में 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत।